हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। जेम पोर्टल से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध। 8 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में होंगी प्रतियोगिताएं। घर छोड़कर गायब है वाइस प्रिंसिपल। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी में 4 लोग गिरफ्तार। NPS निजीकरण, भारत छोड़ो पदयात्रा आज। सरकार बनी तो छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे कांग्रेस। पढ़ाना लिखाना छोड़ शिक्षक पढ़े रामायण और एकत्र करें प्लास्टिक वेस्ट। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईएप यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ: विशेष शिक्षकों का चयन व नियुक्ति जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता के माध्यम से करने की व्यवस्था का उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन की बृहस्पतिवार को डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में हुई बैठक में पुरानी प्रक्रिया से ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला ने बताया कि जेम पोर्टल सामग्री की खरीद फरोख्त के लिए है। इसके माध्यम से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति दिव्यांगों के साथ मजाक है। बैठक में विशेष शिक्षकों को तत्काल बढ़ा मानदेय देने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में सचिव जयवीर सिंह, जयदेव शुक्ला व अरुण मिश्र समेत कई शिक्षक शामिल हुए। लखनऊ: प्रदेश के 8 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में विधिक आयोजन होने जा रहे हैं। बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और उन्हें उपहार में राष्ट्रभक्ति व स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ी किताबें दी जाएंगी। सभी जिलों में अति विशिष्ट आयोजन की समय सारिणी तय कर दी गई है। इन जिलों में प्रयागराज भी शामिल है। इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, साहस व देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में विविध आयोजन कराए जाने हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने विशेष शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि वे विद्यालयों में चित्रकला, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध व काव्य लेखन आदि आयोजित होंगे। उक्त प्रतियोगिताओं में विजेताओं को राष्ट्रभक्ति व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित साहित्य की पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। विजेता को प्रतियोगिता स्थल पर ही पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना राज्य परियोजना कार्यालय व शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजी जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक चयन परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में कीड़गंज पुलिस 5वें दिन भी बलरामपुर हाउस स्थित परीक्षा केंद्र से बैरंग लौटी। परीक्षा केंद्र के प्राचार्य नहीं मिले, जिससे पुलिस DVR कब्जे में नहीं ले सकी। उधर KN काटजू कॉलेज के फरार वाइस प्रिंसिपल समेत 4 आरोपियों का सुराग भी नहीं मिला। 17 अक्टूबर को STF ने डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी व अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार कर इस मामले का भंडाफोड़ किया था। बताया था कि भारत स्काउट में परीक्षा दे रही प्रिंसिपल की बेटी आकांक्षा को नकल कराने के लिए प्रधानाचार्य ने अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे और बेटे अनुग्रह द्विवेदी के जरिए पेपर लीक कराया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच में जुटी कीड़गंज पुलिस बृहस्पतिवार को चौथी बार भारत स्काउट कॉलेज पहुंची। हालांकि वहां के प्रधानाचार्य मौजूद नहीं मिले, जिससे DVR कब्जे में नहीं लिया जा सका, जिसके बाद टीम लौट आई। घर छोड़कर गायब है वाइस प्रिंसिपल। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे के सुकुटी स्थित घर पर छापा भी मारा। सिवकुटी के गोविंदपुर स्थित घर पर उनके परिजन तो मिले, लेकिन वह उसके बारे में कुछ बता नहीं सके। पूछने पर सिर्फ इतना कहा कि 17 अक्टूबर को परीक्षा की बात कहकर सुबह ही घर से निकला था, इसके बाद नहीं लौटा। उधर गिरफ्तार प्रधानाचार्य की बेटी व बेटे के अलावा सालभर विवेक कुमार का भी सुराग पुलिस हासिल नहीं कर सकी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई चोटिल, 40 हिरासत में। लखनऊ निषादगंज स्थित SCERT कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को लाठीचार्ज कर दिया। इससे करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों को चोट लगी और कुछ अभ्यर्थी बेहोश हो गए। ये अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त पदों को जोड़कर भर्ती की मांग को लेकर बीते 72 दिनों से पानी की टंकी के पास प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को दोपहर कार्यालय में घुस गए और शाम तक डटे रहे। समझाने पर जब ये ऑफिस से नहीं निकले तो पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें बाहर किया और 40 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। दोपहर 2 बजे के बाद करीब 100 से ज्यादा अभ्यर्थी मांग को लेकर SCERT दफ्तर में घुस गए। अभ्यर्थी प्रथम से लेकर तीसरे तल का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे और उच्च अधिकारी से वार्ता कराने की मांग करने लगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी मांग पर अधिकारियों ने गाली गलौज की और पुलिस व PSC बुला लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में ही कैद रहे। शाम करीब 5 बजे जब कार्यालय बंद होने का समय हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। सीढ़ियों से घसीटकर अभ्यर्थियों को बाहर निकाला। घटना में करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों के चोटिल होने की सूचना है। प्रदर्शनकारी गरिमा सिंह ने रोते हुए बताया कि उसके हाथ पर पुलिसकर्मियों ने लाठी मारी। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस दौरान मलकीत सिंह बेहोश हो गया, लेकिन पुलिस ने मारना नहीं छोड़ा। पूजा मिश्रा, प्रवीण समेत कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई हैं। चोटिल अभ्यर्थियों को कहाँ ले गए हैं यह नहीं बताया गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने छीन लिए ताकि वे किसी को फ़ोन न कर सकें। लखनऊ: सैकड़ों बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 6 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाली गिरोह के सरगना समेत 4 जालसाजों को STF की टीम ने गुरुवार को विभूतिखंड क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना अरुण कुमार दुबे BTech पास है। वह कई मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी भी कर चुका है। ADG STF अमिताभ एस ने बताया कि गिरोह के लोगों ने 500 से अधिक बेरोजगारों से ठगी की।
जालसाजों ने कृषि कुंभ प्राइवेट लिमिटेड मदरहुड केयर कंपनी के नाम से वेबसाइट बना रखी थी और एनजीओ भी खोल रखा था। कई विभागों की मुहर, मोबाइल फोन बरामद। आरोपित अरुण ने गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है, वह इंदिरा नगर का रहने वाला है। गिरफ्तार अन्य आरोपितों में दारूसफा स्थित विधायक निवास में रहने अनिरुद्ध पांडे, अलीगंज सेक्टर डी का खालिद मुनव्वर बेग और गोमती नगर के विनय खंड का अनुराग मिश्र है। इनके पास से विधानसभा सचिवालय का पास, 22 फाइलें, कई विभागों की मुहर, मोबाइल फोन, 9 ATM और अन्य दस्तावेज मिले हैं। अनिरुद्ध पांडे जालसाज कंपनी में फाइनेंस का काम देखता था। नौकरी के लिए वेबसाइट पर देते थे विज्ञापन, कराते थे बड़े बड़े सेमिनार। SSP STF हेमराज सिंह मीणा ने बताया कि सरगना अपनी कंपनी के नाम से बनी वेबसाइट पर विभिन्न विभागों में नौकरी का विज्ञापन देता था। आवेदन आने पर लोगों को फोन कर बुलाता था। सरकारी नौकरी के नाम पर प्रति व्यक्ति 4 से 5 लाख रुपए लेता था, फिर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उन्हें ज्वाइन करने को भेजता था। उसके खिलाफ इंदिरानगर, विभूतिखंड के अलावा कई अन्य जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। जालसाज लोगों को विश्वास में लेने के लिए सेमिनार भी कराते थे। इसकी चकाचौंध देख लोग इन पर विश्वास कर लेते थे। गिरोह के सदस्य पंकज देवी स्मित, विनय शर्मा, देव यादव, शशांक गिरी समेत अन्य की तलाश की जा रही है। यह लोगों को बेरोजगारों को खोजते थे। लैपटॉप व बैटरी चोरी के मामले में निकाला गया था सरगना। SSP STF ने बताया कि अरुण दुबे ने वर्ष 2005 में बीटेक किया था। इसके बाद उसने 2015 में रिलायंस, टाटा व GTL समेत कई कंपनियों में नौकरी की। वह मैनेजर के पद पर था। इस दौरान एक कंपनी से 10 लैपटॉप और बैटरी चुराए थे। जांच में यह राजफास हुआ तो कंपनी के मुकदमा दर्ज करा दिया। वर्ष 2016 में अरुण जेल गया था। 2017 में वह छूटा तो अपनी कंपनी बनाकर जालसाजी करने लगा। NPS निजीकरण, भारत छोड़ो पदयात्रा आज। लखनऊ पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी एकजुट हो गए हैं। जिला मुख्यालयों पर शुक्रवार को NPS राष्ट्रीय पेंशन योजना निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा निकाली जाएगी। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। दावा है कि प्रदेश के करीब 13 लाख कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े हैं और सभी इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार बनी तो छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देगी कांग्रेस। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका ने ट्वीट करके दी जानकारी। लखनऊ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान जारी है। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि बुधवार को वह कुछ छात्राओं से मिली थी। छात्राओं ने उन्हें बताया कि पढ़ाई और सुरक्षा के लिए हमें स्मार्टफोन की जरूरत है। यह भी बताया कि इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति की सहमति से गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने यह निर्णय लिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजी विश्वास ने कहा कि प्रियंका ने दूसरी प्रतिज्ञा के तौर पर यह घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रियंका ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की ओर से महिलाओं को 40% टिकट देने को अपनी पहली प्रतिज्ञा बताया था। कांग्रेस के इस नए दांव को महिलाओं के युवा वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव संगठन अनिल यादव ने पार्टी की इस घोषणा को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने की कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2021 को प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 14.585 करोड़ थी, जिसमें 6.7 करोड़ महिलाएं थीं। वीडियो टैग किया अपने ट्वीट के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो टैग किया। इसमें बुधवार को आगरा जाने के दौरान पुलिस की ओर से रोके जाने के दौरान प्रियंका के साथ सेल्फी लेने वाली कुछ छात्राओं के मीडियाकर्मी से बातचीत दिखाई गई है। उनमें से एक छात्र ने बताया कि प्रियंका ने उनसे पूछा कि सेल्फी लेने के लिए आपके पास फ़ोन है। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़ोन नहीं है और कॉलेज में उसे ले जाने की अनुमति भी नहीं है। इस पर प्रियंका ने कहा कि छात्राओं के पास फ़ोन होना चाहिए, या सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। पहले भी किए जा चुके हैं चुनावी ऐलान। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में हाईस्कूल पास विद्यार्थियों को टैबलेट और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लैपटॉप का ऐलान किया था। सरकार बनने पर सपा ने लैपटॉप बांटे थे। वहीं भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर अपने संकल्प पत्र में कॉलेज के विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट डाटा के साथ लैपटॉप देने का वादा किया था। योगी सरकार ने छात्रों को लैपटॉप तो नहीं दिया, लेकिन हाल ही में उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट देने का फैसला किया गया है। इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। UP में प्रसिद्ध शिक्षकों के लिए अधिकारी कर रहे हैं जब गजब आदेश। पढ़ाना लिखाना छोड़ शिक्षक, पढ़ें रामायण और एकत्र करें प्लास्टिक वेस्ट। UP के विद्यालय में पठन पठन का जिम्मा संभालने वाले शिक्षकों से वाल्मीकि रामायण का पाठ करवाया गया है। यहां तक कि गनीमत रही कि फिरोजाबाद जिले में तो प्राथमिक शिक्षकों को प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मुख्य विकास अधिकारी CDO और बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA अजब गजब आदेश जारी कर रहे हैं। विद्यालयों में पठन पाठन का जिम्मा संभालने वाले शिक्षकों से वाल्मीकि रामायण का पाठ करवाया गया है। यहां तक भी गनीमत रही फिरोजाबाद जिले में तो प्राथमिक शिक्षकों को प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने का आदेश दिया गया है। हालांकि शिक्षकों के विरोध पर फिरोजाबाद की BSA ने आदेश संशोधित कर दिया। इन मामलों पर शिक्षा विभाग का कोई अफसर इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि रामायण का पाठ प्रदेश भर में हुआ। कासगंज के मुख्य विकास अधिकारी ने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के निर्देश पर संकटमोचन धाम शैली कासगंज में वाल्मीकि रामायण का पाठ कराया। मुख्य विकास अधिकारी कासगंज ने इस आयोजन में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के 15 शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी। 2 दिन आयोजन के लिए सभी का 4-4 घंटे का समय भी आवंटित
कर दिया। इसी तरह से फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बेसिक शिक्षा विभाग को 1000 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट एकत्र किए जाने का लक्ष्य दिया है। इसके तहत विद्यालय से प्लास्टिक वेस्ट जैसे पॉलीथीन बोतल, पानी के पाउच, मास्क, ग्लास आदि थैले में एकत्र करके न्याय पंचायत भवन पर जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए ने हर ब्लॉक का लक्ष्य 100 किलोग्राम तय किया है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में लिखा है कि जिला प्रशासन ने विभागवार यह लक्ष्य तय किया है, उसी के तहत ऐसा निर्देश दिया गया है। बीएसए ने संशोधित आदेश भी दिया है कि यह कार्य शिक्षकों से कराने का आदेश नहीं दिया है। उधर शिक्षा विभाग का कोई अफसर इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, बल्कि यह स्वीकार करते हैं कि ऐसे आदेश नहीं होने चाहिए थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा ने इन आदेशों पर हैरानी जताई और कहा कि शिक्षकों से ऐसे कार्य कदम न लिए जाएं, वे पढ़ाने के लिए स्कूल आते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।